एवरीबॉडी टू द डे फॉर ऑनलाइन मधुबनी पेंटिंग। आज हम लोग फिश देखेंगे कि फिश कैसे बनती है। फिश को मैथिली में माछ बोलते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। और इसके लिए हम लोग आज जो पहला हमारी मछली होगी वो काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो अपना पेज को लैंडस्केप करके स्टार्ट करना है। तो पहले क्या बनाएंगे, थोड़ा सा स्लैंट यहाँ से रखेंगे ताकि इसका मुंह क्लियर बन पाए। और ध्यान रहे इसको भी हम लोग डबल लाइनिंग पहले करेंगे। ये बड़ी मछली है तो इसका मुंह का साइज भी थोड़ा बड़ा होगा, तो कुछ इस तरीके से कर्व्ड बनाएंगे और डबल लाइनिंग होगी इसकी। अब एक छोटा सा इसका मुंह बनेगा कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से और मूंछ इसकी होगी। इसकी आंख के लिए छोटा सा लें और इसको कलर कर लेंगे हम लोग। और इसको फिर ये बड़ी मछली है तो इसका थोड़ा बॉर्डर भी यहाँ पे एक दो बॉर्डर भी डाल सकते हैं, या फिर एक ही थोड़ी बड़ी बॉर्डर हम लोग जो है वो डालेंगे अभी इसमें। और मछली को फिल करने का और इसके फिन्स जो बनते हैं उसका बहुत अलग अलग स्टाइल है। तो अभी तो आज हम लोग दो मछली देखेंगे बड़ी वाली, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो तीन तरीके का पैटर्न उसका अंदर इसका पेट भरने के लिए और इसकी फिन की स्टाइल्स। ये हो गया। अब इस बॉर्डर को भी हम लोग सेम इसी बॉर्डर से, या आपको अभी तक जितने भी बॉर्डर्स मैंने सिखाए हैं उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें इसको फिल करने के लिए आप कोई कलर ले लीजिए, उससे थोड़े गैप्स दे के फिल करके और फिर उसकी बॉर्डर को ट्रेस करके एक कचनी और एक भरनी का भी आप बना सकते हैं। अब इसमें इसका जो टेल है इसमें भी हम लोग कचनी कर देंगे। और नेक्स्ट आ जाते हैं इसके फिन में। तो फिन में ये डिज़ाइन देना है कि कुछ इस तरीके से आप इसको करते हुए नीचे की तरफ इसके बॉडी में चलेंगे। और इसका जो टेल वाला बॉर्डर है यहाँ पे इसको ऐसे ख़त्म कर देंगे और अब ये लाइंस इसको ऐसे जोड़ेंगे। ये इजी वे है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। और या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सारी लाइंस बना लें उसके बाद इसको ऊपर ऊपर से कर्व करके, तो वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। इधर फिन बनाया। अब एक इसको भरने के लिए सबसे पहले तो ये कि जो भी बनाएंगे उसमें डबल लाइनिंग होगी, तो ये ऐसे कुछ हमारी बनती जाएगी। तो आप ये कर सकते हैं कि एक कलर से ही इसको कचनी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर रेड से इसको यहाँ पे कचनी की तो इसको मैं रेड कलर से फिल भी कर सकती हूँ, और अगर मुझे कंट्रास्ट में देना होगा तो मैं यहाँ पे कोई और कलर, जैसे पर्पल है मेरे पास अभी, तो पर्पल से भी यहाँ पे कच सकती हूँ, या फिर दोनों कलर से भर भी सकती हूँ, रेड पर्पल रेड पर्पल ऐसे करके। तो वो आपके कन्वीनियंस पे है कि आप कैसे उसको भरना चाहते हैं। आ जाते हैं हम लोग अब इसकी बॉडी को फिल करने के लिए। तो इसकी बॉडी बड़ी है तो इसको दो तीन तरीके का हम लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं कि एक यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, इसको डबल लाइन करेंगे। और ये भी जो मैं बना रही हूँ भी ये भी एक तरीके का बॉर्डर है, तो आप इसको बॉर्डर की तरह यूज़ किसी और पेंटिंग्स में भी कर सकते हो। ये आप देखेंगे भी आगे कि काफ़ी ढेर सारे पेंटिंग्स में ये है। कुछ इस तरीके से इसके गैप्स को फिल करते हुए चलेंगे। और
अब दो तरीके का इसमें बताऊंगी कि कैसे भरना है। एक साइड पे आप लोग देख लीजिए कि इसका स्केल्स जो बनाते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से, एक तो इस तरीके से आप पूरे मछली को भर सकते हैं या फिर दोनों साइड ये भी कर सकते हैं। और एक तरीके का ये एक्चुअली छोटी छोटी मछलियों को इस तरीके से पूरी तरीके से हम लोग इसी स्टाइल में स्केल्स बना के भर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये स्केल्स है। और दूसरे साइड जो भरने का एक तरीका एक और है वो है कि एक ऐसे छोटा सा कर्व लेंगे, इसके पास एक डबल लाइन और थोड़ी दूर से दूसरा लाइन, फिर इसी तरीके से इसको ऐसे भरेंगे हम लोग। तो आपको दोनों साइड में जो भी मन होगा आप उन दोनों को आप ऐसे करके आगे पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। वाला साइड मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि अगर हम लोग पहले लाइंस बनाएंगे और फिर ये कर्व इसको ज्वाइन करते हुए चलेंगे तो थोड़ी सी सिमेट्री इसकी ख़राब हो सकती है। तो चांस नहीं लेते हुए आप लोग इस तरीके से ही बनाइएगा। तो ये फिश कुछ इस तरह रेडी है। अब हम लोग जो नेक्स्ट फिश है वो सीखेंगे, वो है उसमें भी डिज़ाइन, उसके डिज़ाइंस। एक साइड कर्व ज़्यादा होगा और ये जो दूसरा साइड है इसको थोड़ा सा बड़ा करके अचानक से बीच में पतला, इसको फिर थोड़ा घुमा देना है। अब इसको यहाँ पे यहीं पे छोड़ के हम लोग इसको बीच में इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें ध्यान रहे इसका भी डबल लाइन ही होगा। और फिर अंदर में जब हम लोग डबल लाइन करेंगे तो वो तो होगा ही इससे पहले। तो ये हमारी फिश रेडी है। अब इसमें भी थोड़ा बड़ा ही हम लोग इसका एक कर्व्ड बॉर्डर बनाने के लिए इसमें हम लोग डबल बॉर्डर की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इस तरीके से इसकी आँख, आँख का भी बनाने का बहुत सारा स्टाइल है। और ये इसमें हम लोग मूछ नहीं डालेंगे और फिर से एक दूसरा बॉर्डर। बड़ी मछलियों में अगर ज़्यादा बॉर्डर डालते हैं, भरा भरा रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें फिर ऐसे फिल करेंगे और इसके अंदर कचनी भी कर सकते हैं इसको किसी तरह। मतलब मैंने इसको भर दिया है तो आप इसको किसी भी कलर से या अल्टरनेट कलर से कचनी भरनी आपको जो भी अभी तक समझ में आ रहा है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उससे भी आप इसको फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही आप करें, आप अपने से एक्सप्लोर करिए तो वो अच्छा लगेगा आपको। एक और हमने, और जो सेम बॉर्डर हमने बनाया था पिछले मछली के पेट के डिमार्केशन के लिए, हम लोग सेम यही वाली बॉर्डर इसमें अब यहाँ पे। और ध्यान रखिए ये रेड ब्लैक से ही इसको इसकी गैप्स को फिल करिएगा तो अच्छा लगेगा। या फिर आप जिस कलर के पेन से बना रहे हैं उसी कलर से ये फिल भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से रेडी हो गया। अब इसके फिन को देखते हैं। तो एक ऐसे ये फिन जाएगी नीचे, इसके नीचे वाले बॉर्डर तक देख लीजिएगा, वहाँ उसे थोड़ा सा पहले ही रहना चाहिए। और इस तरीके से कर्व्ड कर्व्ड लाइन्स हम लोग ये करेंगे और इसकी डबल लाइनिंग होगी। और इधर भी इस तरीके से बढ़ाएंगे और ये दोनों फिन की डबल लाइनिंग हो गई है। अब फिर से थोड़ी सी गैप के साथ हम लोग ये कुछ और कर्व्स बनाएंगे और इसमें ये बीड टाइप का एक ऐसे बनाएंगे दोनों साइड में। इसकी जो टेल है इसमें हम लोग कचनी भी कर सकते हैं या आपको अगर मन है तो
तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे। अगर छोटी मछली है तो उसको फिल कर देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, और अगर बड़ी मछली है तो इसमें कचनी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो ये इसकी कचनी हो गई है। अब ये जो इसका फिन है इसमें भी हम लोग कचनी करेंगे स्ट्रेट, और इसका जो पेट है मतलब उसको कैसे फिल करना है वो बताती हूँ। तो इसमें जैसे हमने स्केल्स बनाया था पिछले वाले फिश में, तो उसी तरीके से ये बनाएंगे स्केल्स, लेकिन थोड़ी सी बड़ी बनेगी है, कुछ इस तरह की थोड़ी बड़ी होगी। और अब इसमें क्या करना है कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसमें, इसको इतना दूर आप फिल कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और अब कचनी करेंगे नीचे। इसी वीडियो को मैं कंप्लीट करके आपको फोटो भेजूंगी, तो वो कंप्लीट वीडियो रहेगी। और इसके साथ साथ एक और मुझे कचनी का स्टाइल बताना था। तो जैसे हम लोग ने बता जैसे मैंने बताया कि एक तो सीधा कचनी होता है जो लेफ्ट टू राइट होगा, तो आप पेज टिल्ट करके लेफ्ट टू राइट कचनी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी स्ट्रेट कचनी हो गई, सीधी सीधी कचनी हो गई। अब ये जो है ये टेढ़ी कचनी हो गई। दूसरी तीसरी जो मैंने बताया था वो है लहरिया कचनी। अब इसके बाद फिर एक डबल कचनी जो होता है वो, एक और कचनी का स्टाइल होता है वो होता है जंजीरा कचनी। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर जैसे हम लोग बॉर्डर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारा कचनी होता है। तो ये भी कचनी का स्टाइल है, तो आप ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।